नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय नौटियाल। इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर प्रदेश सरकार अब वेलनेस समिट का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर उद्योग विभाग समिट की कार्य योजना बनाने में जुट गया है। ये समिट चार प्रमुख सेक्टरों पर केंद्रित होगा, जिसमें आयुर्वेद, योग, पर्यटन, स्वास्थ्य प्रमुख है। सरकार प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से सर्विस सेक्टर को प्रोत्साहित कर रही है। CBSE की बोर्ड परीक्षाएं इस बार भी 15 फरवरी से होंगी। हालांकि इस बार स्किल्स वाले विषयों की जगह मुख्य विषयों की परीक्षाएं पहले हो सकती हैं। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेपर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। CBSE ने इस वर्ष की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 15 फरवरी से की थी, लेकिन शुरू में स्किल्स से जुड़े विषयों की परीक्षा हुई थी। हाल ही में दिल्ली में हुई CBSE की बैठक में 2020 की बोर्ड परीक्षाओं पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने 15 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं में इस बार बड़े विषयों के एग्जाम कराने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में जल्द ही फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड में निर्मित फिल्में, खासतौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित फिल्मों के प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जिसके साथ ही प्रमाणीकरण परिषद का गठन राज्य फिल्म विकास परिषद के स्तर पर किया जाएगा। अल्मोड़ा के खेड़ा में बिमोली नदी से हो रहे खनन और भारी मात्रा में पत्थर उठाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध में नारेबाजी के साथ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान खेड़ा की महिलाओं ने उत्तराखंड में 1974 में पेड़ कटान के खिलाफ बहुचर्चित चिपको आंदोलन की याद ताज़ा कर दी। महिलाओं ने पत्थरों से निपटते हुए कहा कि खेड़ा से पत्थर ले जाने वाले पहले उनसे निपटे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष 2019 और 2020 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 18,000 नियुक्तियों के लिए रास्ता खोल दिया है। वहीं उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि वह अपनी परीक्षा की तैयारियों पर ध्यान दे। युवा साथियों नमस्कार, जैसा कि आपको जानकारी है कि हम वर्ष 19-20 को रोजगार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमने प्रदेश में 18,000 नियुक्तियों का रास्ता खोला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी तैयारी में जुटें, किसी के बहकावे में ना आएं। आपको अपनी तैयारी के आधार पर इन परीक्षाओं में सफल होना है और उत्तराखंड राज्य को अपनी सेवाएं देना है। मुझे विश्वास है कि आप सबका विश्वास अपनी सरकार के ऊपर होगा। सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ और पूर्ण निरपेक्षता के साथ इस भर्ती अभियान को चलाने जा रही है। आप तैयारी पे जुटिए और राजकीय सेवा प्राप्त करने के लिए तैयार। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर, खबर से लेकर असर तक।